मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चार मीनार किसने बनाया? थोड़ा जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। कुतुब मीनार किसने बनाया? जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आपको लगता है कि चार मीनार आपके बाप ने बनाया तो ठीक मान लीजिए। किसके बाप की बात कर रहे हैं? हिंदुओं के बाप की? पहली बात अमीश जी, ये बाप का सवाल बड़ा मजेदार है। आज से केवल 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता है कौन किसका बाप है। उसी ढंग से आप ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा दीजिए, भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात, वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक थे। फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा, संसद भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने? तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया, क्योंकि वो उसको बाप नहीं मानता। इंडिया गेट किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया ने, अंग्रेजों ने। तो भारत का क्रिश्चियन तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया। ये मुसलमान कहां से मानने लगे कि चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया और ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया और ये क्या कहते हैं आगरे का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया। चल भैया, अगर एक बार मान ले कि बाप ने बनवाया, तो अंग्रेजों ने जो बनवाया उनके यहां तो प्रूफ मौजूद है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं, उनकी किताबें मौजूद है, उनके इंजीनियर मौजूद है। ये तथाकथित बाप जिन इलाकों से आए थे वहां ऐसी इमारतें हैं क्या? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसी किताबें थी, ऐसे आर्किटेक्चर एक्सीलेंस थी, कोई इंजीनियर थे? कुछ नहीं था, बनाया यहां पे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई कुतुब मीनार, मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए वहां है कोई ऐसी मीनार? जैसे हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका बनाता है तो वहां पे है भी सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग, वहां की बुक्स भी अवेलेबल है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी अवेलेबल है। ये कुतुबुद्दीन जहां से आया बगल में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना, क्या वो है और उसकी और कुतुब मीनार की बराबरी? जैसे भारत के सारे ब्रिटिश राय ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राज करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुगल बादशाह ने बगदाद के खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा है, इंक्लूडिंग अकबर। तो वो मानते थे कि एक विदेशी हुकूमत है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा ऑफ बगदाद।